सकते हैं अद्भुत नजारा है, अद्भुत सा मैदा है, अद्भुत सी कोमल है, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि सब लोगों ने मिलकर के गुजिया बनाया है और गुजिया बनने के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। और कहाँ एक प्लेट निकालो ना, चलो कल देखना अगर टाइम मिलेगा तो आ जाना, नहीं हो जाएगा। आज दिन में खाओगे फिर शाम को खाओगे। देखो भाई बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, पहले आप लोग देखे हमारी वीडियो में बिल्डिंग बिल्कुल नहीं था। नाश्ते में है पास्ता, हमने बॉयल कर दिया है, वो बनाएंगे। मैं भुजिया खा लो गाइस, साफ साफ बोल दो जो बोलना है तुमको। क्या बोली कोमल, तुम जो बात करना खुल के बात करो। डाला नहीं खराब हो जाए, एकदम लाइट चमक। गाइज वेलकम बैक टू इन दिस ब्लॉग, तो स्वागत करते हैं आप सबका इस प्यारे से ब्लॉग में। देख सकते हैं अद्भुत नजारा है, अद्भुत सा मैदा है, अद्भुत सी कोमल है, अद्भुत सी भाभी है, अद्भुत हमारा गुन्नू है, तो अद्भुत ही बनेगा गुजिया। ये कहा मम्मी कंप्लेन करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, वो मैं बर्थडे में दिखी नहीं थी, मैंने सूट कर ली थी सबका। मैं बर्थडे में कहाँ थी वो पूछ, मेरे ब्लॉग में थी, तुम तुमसे जाकर पूछे कि छोटी खाना नहीं है, नहीं है नाई बाबा खुल जाता है और महादेव जब तो नहीं है बड़ा बाबा से खुल जाता था। अभी बाहर जाएंगे मिल जाएंगे, चल क्या बड़े से खुल जाता, दूठ हम भरा दोनों खुल जाता, देखा। हां नहीं ये छोटा है ही, छोटा बड़े नाम का खिलौना है, बाबा वो आटा खराब हो जाएगा, आटा नहीं तो इसी बना देते हैं। अरे प्यारा सा गुन्नू, गुन्नू बैठा है यहाँ पे, मम्मी बना रही है गुजिया की टमोसी को। अरे उसे मत मारो, इतना छोटा सा देखो। मैंने मामा इधर अबिका अबिका, मैं तो सो रही थी, तो पापा इधर कृतिक को लेके आ गए, फैन में गर्मी हो रही है, गर्मी लग रहा है। इधर भैया बैठे हुए हैं, नहीं बोला तो तो आप लोगों ने देखा कि सब लोगों ने मिलकर के गुजिया बनाया है और गुजिया बनने के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। और ये ऐसा होता ही है कि थोड़ा सा बैठ करके बनाना पड़ता है, काफी टाइम लगता है। तो देख सकते हैं आप सब लोग बहुत भर भर के गुजिया बना हुआ है। ये बाबू का उसका है गाड़ी का, ये आलू की बाप रे बहुत गुजिया बन गया। ये बढ़िया किट्टू, शाम खाने की टेंशन नहीं है ना, खाना बना हुआ ऑलरेडी सुबह से है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोगों ने हल्की फुल्की होली खेल ली है, किट्टू और भाभी लग गई है सफाई में, मैं गुन्ना को देख रहा हूँ, गुन्ना का इसको लगा देता हूँ अंदर। और कहाँ रहा है, एक प्लेट निकालो ना, एक प्लेट निकालो, कहाँ का प्लेट, कहाँ बाबू को मंजर उधर रखकर तो पकड़ो। अरे मंजर है ये, शौक से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पर देखिए किट्टू यहाँ पे गाड़ी दे रहे हैं जो हम लोग भुजिया वगैरह बनाए थे, पैक कर दी, साड़ी वगैरह भी दे दी है गिफ्ट में। गिफ्ट में क्या है, त्योहारी में गिफ्ट में नहीं होता है, सब लोग देख रहे हैं। आपको साड़ी पसंद आई, चलो कल देखना अगर टाइम मिलेगा तो आ जाना। अरे हैप्पी होली एडवांस में, आइए थोड़ा कलर लगा देते हैं, काम करना है। श्री शिवाय, अभी हम मंजन नहीं किए, ले लो। चलो मैं भी चलती नहाने, अब इंक्वायरी कर रहे हो, इंक्वायरी बीने की देखा मम्मी, चलो आवाज संभाल ले, चलो ठीक है बने रहे गाइस। यहाँ सब लोग की देख रहे हो, करीब करीब से कन्या कौन दे। तो हे गाइस आज किट्टू रानी यहाँ पे तैयार कर रही हैं नाश्ता, वो भी है पास्ता।
आज नाश्ते में है पास्ता, हमने बॉयल कर दिया है, वो बनाएंगी। मैंने बोल दिया आप बना दो, मैं जा रही हूँ ब्रश करने। कौन बनाएगा? कोमल, मैं बहुत तारीफ सुना था, कौड़ी पकौड़ी आस्ता पस्ता बस्ता तुम सब बहुत अच्छा बनाती हो। बात बनाएंगे आज, तुम्हारे एक को कलाकारी दिख नहीं रहा है मेरे घर में। हम बॉयल कर दिए, तू बनाए ना। एक जने बॉयल करी, एक पास्ता ना, पास्ता नुकसान करता है, इसलिए हम बनाते नहीं है जल्दी। ये देखो, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। प्लीज हटिए। तो कोमल, अभी तक तुम उस पे बना रहे थे, अभी इस पे आगे उछल के तुम। इस पे बहुत मतलब आँच नहीं लग रहा था, एकदम कर इस। तुमको ऐसा लग रहा है आँच नहीं लग रहा, लेकिन उसके आँच लग रहा है। नहीं लग रहा था, इस पे जल्दी हो रहा है। तो आज सब लोग मिल करके सबसे पहले सुबह की शुरुआत जो रही है। तुम क्या धुल रही भाई? अरे बहुत ज्यादा, अभी वो आएगी ना, पाँच बजे आगे भी खाना वो होगा तो और खाने वाली थाली तो है, लेकिन कितनी है? कल तक हो जाएगा और लेने का बंडला नहीं हो जाएगा। आज दिन में खाओगे, फिर शाम को खाओगे, कल सुबह खाओगे, फिर शाम को खाओगे, किट्टो नहीं हो पाएगा बाबा। इतना नूडल कौन छोड़ दिया? अभी तो होगा, उसमें डाल देना, डस्टबिन में अंदर कर लेगा। क्या कह रही हो? अरे बर्तन रखवा दो तो। पनीर गिरने दो इसको, पनीर गिरने दो, जो पहले का बन धुला हुआ है उसको तो रख दो ना, तब तो बर्तन रखेंगे उसमें एक्स्ट्रा। ये गिलास हटाई देता हूँ, गिलास में क्या है। मैं देखो भाई, मैं अपनी वाइफ का तो बहुत हेल्प करता रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि उसको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। और ऐसा वीडियो में नहीं है, मैं बहुत बार ऐसा तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, और मैं करता हूँ। जैसे कल पूरा गुजिया बना, पूरा झाड़ू पोछा, और वो भी एक बार नहीं, कितनी बार? कितो दो दो बार। वो कैमरे में रिकॉर्ड होगा, कभी मैं कैमरे का क्लिप डाला करूँगा कितो। फिर कभी वीडियो बनाना भूल गया ना, कैमरे क्लिप डाला करेंगे। और इसका वॉइस वाला वो कर लेते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग वाला, तो वॉइस भी आ जाया करेगा उससे। बाबा ये नहीं रखना ना उसमें? नहीं, ये सब उसमें रखना है। लगता है किट्टो ही ज्यादातर बर्तन रखती, क्योंकि उसको उसको लगता है मैं अपने हिसाब से रखूंगी सही रहेगा। मियां बीवी को साथ मिलके क्या, ये कैसे पिघला दी तुम? अरे मैंने बहुत एकदम वो थक गया था, मैंने गरम पानी डाल दिया तो इतना दिमाग, मैंने कितनी बार धुलने के लिए एकदम गरम पानी डाल दी तुम, और ये ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, जाएंगे वो फिर से फूल जाएगा। नहीं फूलेगा, फिर से गरम पानी डाल दो और खराब हो जाएगा। किट्टो अपने घर में गेस्ट को बुला करके इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे कर सकती हो तुम? मतलब अपने घर में गेस्ट को बुला करके इतने गेस्टों को तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या जो हुआ तुम्हारे सामने ही है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे प्लेट है जो हम यूज नहीं करते, उसको हटा देना चाहिए। हटा कर रखोगे कहाँ पर, सभी हटा दो। और हमारे यहाँ लोग तो आते ही रहते हैं ना किट्टो, हमेशा मतलब भगवान टच छोट भगवान की कृपा से आज तक मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा घर जल्दी खाली रहा हो। देखो मम्मी गई, विनय कोमल भाई साहब सब लोग आ गए, अभी कुछ दिन तक फिर कुछ खाली रहेगा, फिर कोई इवेंट फंक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा, हम लोग फिर बिजी हो जाएंगे। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और चलता रहता है हमारी लाइफ में, क्यों किट्टो? तो ये सब चीज़ें रख देता हूँ मैं, बर्तन रखने भी, और ये सब बर्तन अभी तुम थोड़ा सही से यूज करो ताकि तुमको दिक्कत ना हो किसी चीज़ के। ये तो आज तो व्यस्त रखा हुआ जी एकदम किट्टो, किसने कौन रखा है बर्तन? छोटी रखी थी क्या इसमें? हाँ सही से नहीं रख पाई है। तो
स्विमिंग पूल पता नहीं चालू होगा कि नहीं चालू होगा होली पे, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये वाली बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है। पहले आप लोग देखे हमारी वीडियो में बिल्डिंग बिल्कुल नहीं था, तो ये कम्युनिटी हॉल वगैरह सारा बन रहा है अभी। ये बिल्डिंग बिल्कुल बन के तैयार हो रही है। जब बिल्डिंग बन जाएगी और अच्छा रौनक, मतलब थोड़ा सा हमको अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा सा हमारे गांव बोलते हैं मनसायन लगेगा, तो वो हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा आप लोग क्या बोलते हो, सेफ्टी पर्पज़ से ये सही है, कांच का ये रेलिंग लोहे का होना चाहिए, जैसे ये रेलिंग है लोहे का, बिल्डर की तरफ से ही लगाया गया है, ये सही है कि वो जो कांच का लग रहा है, कांच की रेलिंग लग रही है, वो सही है। अब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी बड़ी जगहों में भी मैंने देखा ये कांच का ही रेलिंग लगता है और लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। और जिसे जिसको पैक कराना होता है ना, वो पैक भी करवा लेता है, तो खूबसूरत भी लगता है। क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग कांच का ही वर्क कराते हैं रेलिंग के लिए, तो सही था। देखो वो भैया लगा रहे हैं अभी, देखो वो नई रेलिंग लग रही है, वो देखो देखो किस तरीके से लग रहा है। पहले ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करने के बाद वहाँ पे एक उसका होल्डर है जिस पे वो होल्ड होगा, उसके बाद फिर उस पे जाकर ये कांच जाके लग जाएगा। मजबूती होती होगी, ऐसा नहीं है कि भाई कोई छुएगा तो गिर जाएगा, लेकिन मेरे को लग रहा है लोहे में ज़्यादा ताकत होती है कांच के कंपेयर। जैसे ये लोहा जो है उसमें ज़्यादा विश्वास हम कर सकते हैं कांच के कंपेयर में, लेकिन भाई कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग होगी जो उसको ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो इस पर बात विवाद नहीं करते, क्योंकि ये भी अपना भाई बिल्डर है और इंजीनियर के थ्रू ही बनता है, तो भाई कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन वो ये क्या है, ये हमारा जो सी टावर, जो हमारा जो गार्ड भैया थे वो उधर चले गए क्या, कि तो वही है ना वो सामने देखो। हाँ। उधर भी थोड़ी देर के लिए गए होंगे। अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा नहीं उस वाले टावर में ट्रांसफर हो गया। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे स्विमिंग पूल मिल जाए। मैं तो चाह रहा हूँ स्विमिंग पूल चालू हो जाए सोना। वो तो कल हो। तो यहाँ पे सोना की मम्मी, सोना की मौसी साफ सफाई कर रही हैं। अच्छा सोना की मौसी साफ सफाई कर रही है, सोना की मम्मी क्या कर रही हैं? तो खाट पे रो रही है। किट्टू मैं हेल्प यू? नहीं। एनी हेल्प? नहीं। भजिया खा लो गाइस। साफ साफ बोल दो जो बोलना है तुमको। आज अच्छा होता भजिया, लेकिन गरम गरम भुजिया खाने का अलग मजा है। क्या बोली कोमल तुम, जो बात करना है खुल के बात करो। कह रहे हैं ना भुजिया जब गरम रहता है ना तो खिलाता नहीं है। कोमल गाइस खुल के बात नहीं करती है। छोटी तुम रह रहे कैसे बदल रही हो, कभी काला पहन रही हो कभी लाल पहन रही हो, क्या सीन है तुम्हारा? अच्छा मैं भी लाल पहन लेता हूँ फिर। गन्नी गन्नी दीदी मौसी का मदद कर लो सोनाक्षी, इंजॉय करने आई हो, पार्क घूमने आई हो। अच्छा कमेंट आ रहा था कि अभी सब लोग आ गए हैं तो किट्टो सही हो गई है, जब सब लोग चले जाएंगे फिर किट्टो बीमार पड़ जाएगी, तो उसको काम करना होगा। हम क्या किट्टो सब लोग आए तो क्या किट्टो बैठ के यासी कर रही है क्या? ऋषभ बैड हैबिट उतरो, ऋषभ मेरा घर है भैया, चाहे 10 दिन के लिए कोई आए तो चाहे 25 दिन के लिए आए, फिर करना तो मुझे चाहे हम बीमार रहे चाहे जो भी रहेंगे, हमें कोई बहाना थोड़ी रहता है। मेरा चेहरा देख के और भैया हर महिलाएं बीमार पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। अरे दे रहे ना साथ में, अगर कोई अपने आप को शक्तिमान समझ रहा है तो अलग बात। देखो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे कुछ गंदा ज्यादा है, यहाँ पोछा मारना पड़ेगा। झाड़ू तो दो हमारे पास, लेकिन इससे आदत पड़ चुकी है हम लोग की मारने की। होली पे दिवाली पे नहीं लिए थे हम लोग? तो साफ सफाई चल रही है। उसको दे सकती हूँ उतना। किसको? ये सबको दे क्या करी हम? बात तो सही है, बात तो सही है। और हम बर्तन सब धुल के रख दिए। क्या कह रहा है? वो जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। वो ऋषभ क्या चाहिए तुझे ना आया? ओए 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 हैप्पी होली, ओए 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 ओए। कमर देखो गाइस क्या दिख गया छी। तो गाइस यहां पे कितनी रानी बना रही है दास्ता सारे मेहमानों के लिए। क्या ये अंदाज़ यार,
हल्का, इसमें हल्का सा केचप भी पड़ता है। मैंने देखा है रेसिपी। हम बनाए थे पास से, तुम क्या नहीं रहा, हमारा अच्छा था, पूरा मत डाला नहीं खराब हो जाए। नहीं डाला, और दम लाइट एकदम चमकत मा पास्ता मटेरियल कम, मटेरियल कम रहा होता है। एक किलो रहा था इसमें, जान तो कम से कम एक पाव डेढ़ पाव लग प्याज पड़ा था। तो क्या कोमल ने गड़बड़ कर दी? नहीं, मैंने उनसे बोला कि प्याज और काट लिए, और काट लिए, प्याज कम पड़ गया। कोई बात नहीं, सब खाना ही तो है सबको। मटेरियल कम पड़ गया। क्या प्याज कम है? चार प्याज काटे थे आपने, बोला एक और ले लो, बस एक और लिए थे। हम पहले बोले ना कि प्याज कम लग रहा है, पांच काटे थे। गलत बात है कोमल, थोड़ा सा जगह खाएगा। ये व्हाइट सॉस, व्हाइट पास्ता बना खिला देंगे बच्चों को शाम को ना। अच्छा चीनी अच्छे से चाय में मन नहीं चम्मच, चीनी एकदम हल्का यहाँ पड़ा सर। हम लोग हल्का तो हल्का चीनी वाला चाहिए तो ज्यादा, और हमारे नमक खा रही है चीनी पी रही, शुगर हो जाए तो है। हो गया चाय लग रही है, प्लेट बांटे ना तो न्यू और क्या। तो गाइस कैसा लग रहा है हमारा जो फैमिली सारा, आप लोग हमेशा कहते थे ना कि अकेले अकेले मजा नहीं आता, भाभी को बुला लो, कोमल को बुला लो, तो हम लोगों ने देखो सबको बुला लिया और सब लोग एक साथ हैं और सब पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा है। कैसा लग रहा है यार? अगर लग रहा है अच्छा तो कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी लगे हाँ यार आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइस, क्यों सुना? हाँ चलिए, बाय बाय।